हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यू हियर फॉर द क्रिकेट ब्रॉट टू यू बाय डैफा न्यूज। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिना सोचे वीडियो देखने से पहले कर दीजिए। तो दोस्तों, कल से एशिया कप शुरू होने वाला है जिसमें 6 टीम्स आपस में बिडेंगे फॉर द ट्रॉफी विच वॉज वन लास्ट ईयर बाय श्रीलंका व्हेन इट वॉज प्लेड इन द T20I फॉर्मेट अहेड ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल इस साल के टीम्स हैं और इंडिया का पहला मुकाबला होगा पाकिस्तान से 2 सितंबर को पालेकेले में। इस साल इंडिया 4 में से सिर्फ 1 वनडे सीरीज हार चुकी है 2-1 मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया के हाथों आईपीएल से पहले। टीम ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज को हराया और अब ICC वनडे टेबल के ऊपर नंबर 3 पे है। With Iyer, Rahul and Bumrah back, this is a tougher team. और अगर बल्लेबाज पाकिस्तान के पेस बॉलर्स को खेलें, तो ये टीम मेरे हिसाब से एशिया कप जीतने के लायक है। यूजली मैं श्रीलंका को होम कंडीशंस में इंडिया से आगे डालता, मगर क्योंकि श्रीलंका की टीम अभी इंजरी से लड़ रही है, with the bowling pair of Dushmanta Chamira and now Dilshan Madhushankar ruled out and the vital all-rounder Wanindu Hasaranga as well as pacer Lahiru Kumara also sidelined. मुझे लगता है फाइनल मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, which after all is just what the host broadcaster wants, right? तभी तो दोनों टीम्स को एक ग्रुप में डाला है, वो भी हल्की टीमों के साथ, ताकि दो बार खेले और फिर फाइनल तक पहुंचे। अब क्योंकि भारतीय टीम को लेकर काफी समय से दिक्कतें चल रही हैं, फ्रॉम इंजरीज टू इनकंसिस्टेंट सिलेक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड सम पुअर रिजल्ट्स, तो अब सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा की टीम एशिया कप के लिए तैयार है। द रिटर्न ऑफ बुमराह, राहुल एंड अय्यर इज नो डाउट अ बिग टॉकिंग पॉइंट, क्योंकि तीनों क्रिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस टीम के लिए और तीनों के गैर हाजिरी में ना सिर्फ टीम को रिप्लेसमेंट्स ढूंढने पड़े बल्कि टीम का बैलेंस भी काफी बिगड़ा। अय्यर को लेकर टीम ने कहा कि वो पूरी तरह से फिट हैं, परंतु राहुल को लेकर खबर है कि वो कम अज कम 2 मैच बाहर रहेंगे ऑन अकाउंट ऑफ अ ग्रोइन निगल। बुमराह ने हाल ही के आयरलैंड सीरीज में अच्छी वापसी करी और अब देखना है कि T20I से वनडे में आकर टीम मैनेजमेंट इन्हें कैसे हैंडल करेगी। मेरे हिसाब से बुमराह को पहला मैच खिलाना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान और फिर नेपाल मैच में रेस्ट देना चाहिए। अभी ये जरूरी है कि टीम बुमराह की फिटनेस एक 50 ओवर के मैच में देखें और फिर उनको वर्ल्ड कप के लिए फिट रखें। रही बात राहुल की, तो क्योंकि वो एशिया कप स्टार्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली अब ईशान किशन को खिलाना पड़ेगा एज द विकेट कीपर। रोहित और शुभमन गिल को ओपनिंग से नहीं हटाएंगे, ना ही विराट कोहली को तीसरे नंबर से। अय्यर इज इंडियाज बेस्ट नंबर 4 ऑफ द पास्ट 2 इयर्स इन वन डेज, तो ईशान किशन की जगह 5 और 6 पे ही आएगी एंड दैट मींस दैट सूर्य कुमार यादव डज नॉट गेट अ चांस। वैसे देखा जाए तो सूर्या के अब तक के सारे वनडे मैचेस तब आए हैं जब इंडिया के फर्स्ट चॉइस खिलाड़ी अवेलेबल थे। अय्यर और राहुल के आने से स्काई की जगह मुश्किल है 11 में, क्योंकि नंबर 4 पोजीशन और कीपर की पोजीशन के बाद 2 ही जगह बचे हैं लाइनअप में और मेरे हिसाब से वो जाएंगे वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को। If Iyer plays, as I expect him to, then this also rules out a debut for Tilak Varma, who was named in India's Asia Cup squad. Because if all the first choice players are available, then like Surya, does Tilak even get into the 11? इस बात पर दोस्तों आपके क्या ख्याल हैं? What do you think about India's chances and what is India's best 11 for the Pakistan match on September 2nd? Let me know by commenting below. And I'll see you very soon with another cricket video in association with DAFA News. Goodbye for now.